आगे बड़ी भारी तकलीफ आ रही है, बाबा जी आप लोगों को उसमें बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं छोटी सी एक मिसाल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस समय पाकिस्तान से लड़ाई लगने वाली थी, अभी लड़ाई नहीं लगी थी 71 में, बाबा जी 7 नवंबर को सोनपुर से हरिहर छतर, जहाँ गजग्रह की लड़ाई हुई थी, जहाँ गंगा और गंडक का संगम है, 50,000 साइकिल यात्रियों के साथ रामलीला मैदान तक, और रामलीला मैदान से मथुरा, मथुरा से आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा होते हुए कानपुर में 1500 किलोमीटर यात्रा थी। अब बाबा जी 7 नवंबर को चले थे और 21 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आना था, लेकिन 7, 8, 9 नवंबर को एक दूसरे महात्मा का सत्संग रामलीला मैदान दिल्ली में हो रहा था। उनके प्रेमी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप भी हमारे गुरु जी का सत्संग सुन लीजिए। हमने कहा चलिए, चले गए। 7:30 बज रहा, शाम को अंधेरा हो रहा, रोशनी का बड़ा अच्छा इंतजाम था, लेकिन जैसे गुरु जी मंच पर आए उनके, तैसे ही बिजली के लिए ब्लैक आउट का रिहर्सल का सेरन बजा घुघू, और घुघू बजते ही बिजली गुल हो गई। अब बिजली गुल होने पर बच्चियों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने उस लड़के से पूछा कि ये कैसे गुरु हैं कि इनके मंच पर आते ही बिजली चली गई, क्या ये समय को आगे पीछे टाल नहीं सकते, तो किस बात के सतगुरु हैं? सतगुरु को तो सब ज्ञान रहता है, समय को आगे पीछे टाल सकता है, समय की चाबी उसके मुट्ठी में होती है, क्या ये बिजली को टाल नहीं सकते थे, ये समय आगे पीछे नहीं कर सकते थे, किस बात के गुरु हैं? बोला गुरु क्या करें, ब्लैक आउट का रिहर्सल चल रहा था, अब ब्लैक आउट हो गया तो गुरु जी क्या करें, हमने इसी मैदान में हमारे गुरु जी आएंगे 21 नवंबर को, और दिल्ली में बम गिर रहा होगा, जहाजें गिर रही होंगी, लड़ाई लग गई होगी, फिर भी हमारी बिजली एक मिनट के लिए नहीं जाएगी और कार्यक्रम निर्विघ्न होगा। कहा होगा तो मैं देखूंगा। बाबा जी 21 नवंबर को 4 बजे पूरे तामझाम के साथ 50,000 के हजूम को लेकर जब रामलीला मैदान में पहुंचे, तो तुरकमान गेट की तरफ उनकी कुटिया और मंच, और अजमेरी गेट के तरफ हमारा रिसेप्शन, जहां मैं बैठे लोगों के भोजन, ठहरने का, पानी का इंतजाम में लगा हुआ था। 4 आदमी ऑक्सीजन फैक्ट्री में काम करने वाले कानपुर के आए, कहने डॉक्टर साहब 3 जहाज बॉर्डर पर गिरा दिया गया, लड़ाई लग जाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, कार्यक्रम कैसे होगा? हमने जहाज बॉर्डर पर गिरा है, अगर दिल्ली में गिरा होता तो भी हमारी बिजली नहीं जाती और कार्यक्रम निर्विघ्न होता। इतने में एक बच्चा दौड़े आया कि गुरु महाराज मंच से उतरे और उतर के झंडा फहराने गए, झंडा की रस्सी को ऐसे पकड़ा, कहा बच्चा मैं ये झंडा फहराने आया था, लेकिन मेरा ये झंडा बंधा हुआ जाएगा, मैं कानपुर में जब समापन होगा तब ये बताऊंगा कि मैंने दिल्ली में झंडा क्यों नहीं फहराया। अब तुम लोग सत्संग सुनो। बाबा जी 4 दिन रहे, 1 मिनट बिजली नहीं गई, 4 दिन सत्संग नामदान हुआ, और बाबा जी वहां से आए मथुरा, मथुरा से आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, सब कार्यक्रम करते हुए जब बाबा जी कानपुर में गए, लाखों आदमियों के सामने 1 घंटे का सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद कहा बच्चा मेरा ये झंडा दिल्ली से बंधा हुआ आया, मैं इस दिल्ली में झंडा फहराने इसको गया था, लेकिन मैं अगर फहरा देता तो लड़ाई वहीं लग जाती और मुझे अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ता, इसलिए मैंने वहां झंडा फहराया नहीं। अब मैंने इसका राज बता दिया, तुम लोग 4 बजे भोर में चिड़िया की तरह यहां से उड़ जाना, अब लड़ाई लगने जा रही है, पहले पूरब का पाकिस्तान खत्म होगा, बहुत दिन तक लड़ाई नहीं होगी, फिर लड़ाई होगी, चाइना द्वारा दिया हुआ कीटाणु बम पाकिस्तान भारत की तरफ मुंह करके खोल देगा, बैक्टीरिया हवा में फैल जाएंगे और पशु पक्षी जिनके खाल उतार के बाजार में टंगा होगा सीधा बैक्टीरिया का उस पर असर होगा, और जो लोग खरीद के खाएंगे एक तरफ से बेमौत मरने लगेंगे, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकेगी फिर भी लोगों की बीमारी ठीक नहीं होगी, जब चारों तरफ लाशें पड़ जाएंगी
भारत हारने के कगार पर आ जाएगा और कहीं से किसी को रास्ता नजर नहीं आएगा उससे बचने का। उस समय पहचान लो इस फकीर को, बाबा ने अपना चद्दर उतार दिया, मुकुट उतार दी, धोती उतार दिया, केवल लंगोटी में खड़ा होकर कहा पहचान लो इस फकीर को, ये पूरब से पश्चिम की तरफ इतनी जोर की आंधी चलाएगा जिसमें पशु हाथी जैसे जानवर उड़ जाएंगे, मकान की छतें उड़ जाएंगी, जंगल के पेड़ उड़ेंगे और सारे बैक्टीरिया पाकिस्तान और चाइना में डाल दिया जाएगा, पाकिस्तान के नामो निशान मिट जाएंगे, चीन में मुट्ठी भर लोग बचेंगे जिनको भारत के लोग बचाएंगे जो शाकाहारी होंगे। इसलिए बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, वही बचेगा जो उनका मानेगा कहना। ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से, बाबा जी ने पहले कह दिया कि आगे भारी तकलीफ आ रही है और उसका मुकाबला भौतिक साधन से नहीं होगा, उसका मुकाबला भजन से होगा। इसलिए आप सब लोग नित नियम से भजन करो, एक दिन का नागा मत करो। ध्यान से सुन लो नारियों, घटना घटेगी, आप लोग आओ बाबा जी से आशीर्वाद ले लो। मैं अभी बाबा जी के हुक्म से जिस समय वो रक्षाबंधन के लिए बॉम्बे जा रहे थे, मुझे कलकत्ता भेज दिया। रास्ते में एटा में कार्यक्रम कर रहा, 30,000 से ऊपर जनता, पूरा बाग भरा हुआ, जामन के पेड़ की छाया देखकर मेरा बड़ा ऊंचा मंच बना दिया था। मैं बोल रहा था, इतना मोटा जामन का डाल चरचर करते हुए आ रहा, इधर एक महात्मा बैठे थे उठ के भागे, सारी जनता खड़ी हो गई और मैं आँख बंद करके बोल रहा जैसे वो इतना मोटा डाल आके मेरे पीठ के पीछे लेट गया। ध्यान से सुनना, पीठ के पीछे आके लेट गया और मैं बोल रहा हूँ, तब सब लोग आके बैठ गए। जब लाउड स्पीकर वाले ने कहा भाई साहब आप तो ट्रस से मस नहीं हुए, हमने कहा गुरु धरा शीस पर हाथ तू क्यों सोच करे, गुरु रक्षा करदम साथ तू क्यों सोच करे, नर नारियों आपने नाम दान लिया, आपको शेर ने घेर लिया, बचाएगा कौन? आप भजन करने बैठे हो, सर्प आ गया, मदद कौन करेगा? गुरु जिस दिन नाम दान देता है, जैसे तुम्हारी छाया एक पल के लिए साथ नहीं छोड़ती, गुरु हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं। गुरु महाराज ने कहा खे बच्चा, जिस समय मैं बुंदेलखंड में भजन कर रहा था तो एक दिन बांदा से हमीरपुर जा रहा, इधर खाई इधर झाड़ी पगडंडी सड़क पकड़े जा रहा, उधर से एक सांड गर्दन नीचे किए पूंछ ऊपर किए डकरता हुआ दौड़ता सामने आ गया कि मारेगा। मैंने गुरु महाराज को याद किया, कहाँ कर रही हो, कहीं नहीं बैठ रही हुआ, बैठ जाओ वहीं, सुनो ध्यान से। अब ये लोग हैं, इनको आज सब उतना दिन बता के गया था है, रजावत जी के घर पर इतना बताया कि इसमें कुछ नहीं, फोटो से कुछ नहीं मिलेगा, अंदर में स्वरूप को बसाओ, अंदर में बैठाओ स्वरूप को, वो काम नहीं करेंगे, आदत पड़ी है जन्म जन्म की, क्या करोगे, सुधरेंगे? कितने दिन हुआ संत मत को प्रचार होते, अकाल मत को प्रचार होते कितने दिन हो गया, तो कैसे छूट जाएगा? लेकिन रगड़ाई होगी तो छूट ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं छूटेगा। आप लोग ध्यान से सुनो, गुरु महाराज कहते हैं बच्चा जैसे गुरु महाराज को याद किया कि सामने एक बुढ़ा चने की झाड़ का गट्ठर जिसमें चने के दाने लगे हुए गट्ठर ले आके सांड के आगे फेंका और एक डंडा मारा, सांड वहीं से मुड़ गया, वो भी गायब वो भी गायब। जब गुरु महाराज के पास आए तो गुरु महाराज ने पूछा तुम्हारी सांड से रक्षा कैसे हुई? जब बताया तो गुरु महाराज जोर से हंसे, कहने लगे तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत रहो प्यारे, जिस दिन तुमको नाम दान दिया तुम्हारी सारी चिंताओं को ले लिया, अब तुम अचिंत होके भजन करो, तुमको बेटा बेटी जमीन रोजगार व्यापार की क्या चिंता, अरे तुम भजन करो, तुम्हारा मालिक है, बकरी के मालिक नहीं। बकरी सोचती है समझती नहीं ज्ञान नहीं, जल्दी जल्दी पैर मारती है, गले की रस्सी टिप जाती है मर जाती है, घोड़ा के पैर से जब दब जाता है रस्सी वहीं धीरे से लेट जाता है कि मेरा मालिक मुझे बांध के गया है आके खोलेगा। जब तुम्हारा मालिक है तुमको किसकी चिंता, तुम्हारा मालिक चिंता करने वाला है तो तुमको किसकी चिंता, इसलिए तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत रहो प्यारे, तुम्हारी चिंताओं को मैंने धारण कर लिया और तुम अचिंत होकर भजन करो। गुरु धरा शीश पर हाथ तू क्यों सोच करे, गुरु रक्षा हरदम साथ तू क्यों सोच करे, गुरु महाराज हर वक्त साथ है तुमको चिंता किस बात की। तो मैंने उस महात्मा जी से पूछा कि आपने गुरु किया है, बोले नहीं। तो हमने कहा ये दाढ़ी बाल भोंगा चोंगा ये काम नहीं आएगा, भजन काम आएगा और गुरु
मिलेंगे, नाम बताएंगे, भजन करोगे तब काम होगा। इसलिए सब लोग भजन करो, ध्यान से सुनो। कहले हाँ अब की बार चलेंगे। भंडारे पर आके नाम दान ले गए हैं, अब कर रहे नहीं कर रहे वो जाने, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि नारियो स्वामी जी ने खुद कहा कि एक वेदांती थे, कहते जा रहे हम में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, इसमें ब्रह्म, उसमें ब्रह्म, सब में ब्रह्म। तो उधर से एक महात्मा फटेहाल से आ रहे, कहले होगा, कहले तो आप किसको मानते हो, बोले मैं गुरु को मानता हूँ। तो मैं भी गुरु, ये भी गुरु, वो भी गुरु, सब गुरु। कहले सब हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ। तब तक नदी का किनारा आया, नाव खड़ी थी, उसी में वेदांती चढ़ गए। महात्मा मल्लाह लेके चला, तब तक एक सरप छरप के नाव में आ गया। नाव में सांप को देखते ही मल्लाह ने बांस फेंका, तैरना जानता था, कूद के किनारे हो गया। तब तक जो है वेदांती उठ के भगने लगे, तो महात्मा ने पूछा तुम क्यों भाग रहे, कहले ये काट लेगा। अरे इसमें भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ब्रह्म डरता क्यों है, कहले ये काट लेगा। बोले नहीं काटेगा। महात्मा के कहते ही सर अपने फन नीचे कर ली। महात्मा धीरे धीरे हाथ से पानी मारते रहे, नाव को किनारे लगा दिया। पहले सरप उतर गया, फिर वेदांती उतरे, फिर महात्मा उतर गए। जब वेदांती ने पूछा भाई साहब आप नाव चलाना जानते थे क्या, बोले नहीं। तो नाव किनारे कैसे लगा दी, गुरु महाराज की दया से। सरप भी नहीं काटा, ये भी गुरु महाराज की दया से। तो मैंने पूरा वेद पढ़ा, वेद का अंत कर दिया, तब वेदांती हुआ। और मुझे तो उस वेद में कहीं नहीं मिला कि ऐसी भी दया होती है। कह ले बच्चा ये दया गुरु महाराज के चरणों में मिलती है। कहाँ है गुरु महाराज का चरण? तो मैं आज आपसे कहने आया हूँ कि कभी कबीर साहब के पास, धर्मदास जी के पास था, कभी नानक साहब से लेके गोविंद सिंह तक था, और कभी गोस्वामी जी के पास, रहदास जी, मीरा सहजो, दादू पलटू, भिक्खा साहब के पास था, और कभी आगरा और ब्यास में भी था। लेकिन आज मथुरा के बाबा जय गुरुदेव के अलावा किसी के पास नहीं है। सीधी बात। इसलिए आप लोग समझ लो, लोगों को ले चलो, नाम दान दिलाओ, और नाम दान मिल जाए तो भजन करो, एक दिन का नागा मत करो। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, और आगे हम आएंगे, दोबारा आएंगे तो आपको भीड़ दिखाएंगे कि भीड़ इसका नाम है, देखिए। और बात जो कह के जा रहा हूँ वो भी सामने आने जा रहा, इसलिए आप लोग होशियारी बरतो, मालिक की दया हो जाए, लाभ आपको मिल जाए। सब लोग भजन करो, एक दिन का नागा मत करो, आलस मत करो, आलस में नुकसान हो जाएगा, भजन करो। अब भजन बनेगा कैसे, जब तक सेवा नहीं करोगे भजन नहीं बनेगा। कान खोल के सुन लो, स्वामी जी महाराज जब सत्संग दे रहे थे तो आप लोगों ने विश्व का अजूबा मंदिर बनवा के खड़ा कर दिया, लेकिन जब सत्संग देना कम हो गया तो आप लोगों ने कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपना मुंह हाथ पैर पेट में सटक लेता है, ऐसे आपने भी मुट्ठी सकोट लिया। लेकिन सत्संग मिलेगा तो आपका भ्रम जाएगा, शंका, और मुट्ठी खोल के फेंकोगे तो भजन बनेगा। बाबा जी ने आपके लिए स्वास्थ्य सेवा की खबर भेजी, कान खोल के सुनो। पहले उन्होंने सुना दिया कि एक आदमी नगर कोट की देवी के यहाँ जाता था, हर साल आके भंडारा करता था और 350 खर्चा करता था। जब बाबा जी मिले, नामदान मिला और भजन करने लगा, तो अब देवी रोज सामने आ जाए। एक हफ्ते बाद आके कहा गुरु जी देवी की भी पूजा करूं और आपकी भी करूं। कहले बच्चा या तो देवी की कर या मेरी कर। कहा दोनों की करूं तो? बोले दो नाव पर पैर रख देगा, कौन से किनारे लगेगा। कहा महाराज तो वो रोज सामने आ जाती है। कहने लगे जी उसके लिए कुछ किया होगा। बोले 350 हर साल उसके नाम पर भंडारे में लगाता था। बोले अब की बार मेरे नाम पर 700 लगा दी। फिर देख बाबा जी ने मंदिर के लिए कहा, आप लोगों से सुन लो ध्यान से, मंदिर के लिए कहा आपसे, और आपसे आश्रम के लिए कहा, जमीन के लिए कहा, लेकिन बाबा जी ने अपने लिए नहीं कहा कि मेरे लिए। तो क्या आपकी दवा से बाबा जी की बीमारी ठीक होनी है? क्या आप पैसा दोगे तब बाबा जी की दवा होगी, और तब दवा खा के बाबा जी बीमारी से ठीक होंगे? जब सारी दुनिया को वो ठीक करते हैं, सारी सृष्टि के लोगों को ठीक करते हैं, तो आपके पैसे से वो ठीक होंगे? लेकिन बाबा जी आपका भजन बनाना चाहते हैं, कहते हैं समय थोड़ा रह गया तो इन लोगों का काम चलते चलाते कर दिया जाए। इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा, ध्यान से सुन लो, बाबा जी ने कहा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, मुट्ठी खोल के फेंको। लेकिन फेंकोगे कब? जब तुमको होश होगा। तुम तो अभी माया के छाया में घूम रहे हो, बेहोश होके, होश हो जाए तो फेंक दो। गुरु महाराज खुद कहते हैं कि एक बादशाह अपने महल पर
मैं उसने राज के ऊपर चारों तरफ लोगों पर टैक्स लगा दिया, सारी जनता टैक्स के रूप में, सारा धन जब